आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से पर्चा भर दिया है। यहां उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक से होगा। अखिलेश के सीट पर उतरने से ये मुकाबला और कड़ा हो गया है, जिसे देखते हुए अब जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है, वो भी किसी और की नहीं बल्कि यादव परिवार की दोनों बहुओं के बीच। एक तरफ कन्नौज से ही 2019 के लोकसभा चुनाव हार चुकी डिंपल यादव हैं, जिनका मानना है कि अब अखिलेश के यहां से चुनाव लड़ने से बीजेपी में घबराहट है और अब बीजेपी की जीत की राह आसान नहीं होने वाली। तो वहीं दूसरी तरफ यादव परिवार की दूसरी बहू अपर्णा यादव हैं, जो कहती हैं कि तमाम इंडी गठबंधन के नेताओं को मोदी जी का डर है, इसी वजह से वो अपने बड़े नेताओं को अब चुनावी मैदान में उतार रही है। चुनाव हुआ है तो बहुत ही अच्छे नतीजों की तरफ संकेत है और कहीं ना कहीं घबराहट है भाजपा में, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा हुआ है। जहाँ तक आप बोल रही हैं समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूँगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए जहां डिंपल यादव ने योगी सरकार की कई खामियां गिनवाई, तो वहीं अपर्णा यादव ने दावा किया कि मुलायम के रहते जिन सीटों को सपा का गढ़ माना जाता था, आज बीजेपी ने उन सभी सीटों पर कमल खिलाकर अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं, जहाँ युवा हमारा बेरोजगार है, किसानों की जो आपने वादा किया था जब सरकार में आए थे कि आप मवेशी जो आवारा पशुओं वाली जो समस्या है उसका हल करेंगे, क्या आपने हल कर लिया? आज आप लोगों पे दबाव की राजनीति बनाते हैं, और मैं समझती हूँ, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि दबाव की राजनीति का आप लोग शिकार ना होए, क्योंकि अगर आप शिकार हो गए और पढ़े लिखा समाज अगर इस बात से शिकार हो जाएगा, तो मैं समझती हूँ कि एक अलग दौर चल पड़ेगा। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, क्षेत्र के हर नागरिक जो आज है हमारे मैनपुरी का, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को हटाना बहुत जरूरी है जो दबाव की राजनीति का प्रयोग कहीं ना कहीं करते हैं। आदरणीय नेता जी यानी मुलायम सिंह जी जो मेरे ससुर भी हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पर मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है, कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। तो मैं ये कहूँगी कि ये सारे जितने अलायंस वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग, ये लोग अब यह तय कर चुके हैं कि मोदी जी को हमें अगर जो है हराना है या हमें जो है इस तरह से करना है कि जो है कहीं उनके मुकाबला हम कर सके, तो हमारी सीनियर लीडरशिप को उतरना पड़ेगा। आपको बता दें, सपा अध्यक्ष के कन्नौज से नामांकन भरने के बाद से यादव परिवार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। परिवार की दोनों बहुएं अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रही हैं। वहीं अखिलेश यादव के आने से अब ये सीट हॉट सीट बन गई है, जिसके बाद यहां से बीजेपी की जीत उतनी आसान नहीं रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को हराने वाले सुब्रत पाठक एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर चुके हैं और अपना नामांकन भर चुके हैं। नामांकन करने से पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी 2 तस्वीरें शेयर की। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अखिलेश ने पहली बार नामांकन किया था। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अखिलेश ने लिखा, फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने इस चुनाव को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच बताया था। पाठक के मुताबिक जब तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाया गया था तब ये मुकाबला एक तरफा था, यानी भारत बनाम नेपाल, लेकिन अब टक्कर बराबर की होगी। इसके अलावा सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि इनकी सोच पाकिस्तानी है, ये लड़ाई कन्नौज और बाहरी की है, मैं कन्नौज का हूँ, कोई बाहरी यहाँ कैसे जीत सकता है। आपको ये भी बता दें कि कन्नौज लोकसभा सीट हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी के गढ़ की सेंध लगाते हुए डिंपल यादव को हरा दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर से पाठक को ही मैदान में उतारा है।
अब उनके सामने अखिलेश यादव टिक पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कन्नौज सीट पर हमेशा से ही एम वाई फैक्टर अहम भूमिका निभाता है। एम मतलब मुस्लिम और वाई मतलब यादव, और ये एम वाई फैक्टर जरूर बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।